स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हिंदी में संदेश देख पाख को लगी मिर्ची, तुम्हारा बाप है कंपैरिजन ना करो। चलो देखें हिंदी में संदेश किसने दिया जिसे इनको मिर्ची लग गई। आजकल हमारे सारे लीडर जो हिंदी में संदेश देते हैं, हम तो सब हिंदी में ही करते हैं और करते रहेंगे। अब तुम्हारा बाप है कंपैरिजन ना करो, वो इनको बहुत रियलाइज हो गया होगा कि इंडिया जो है वो इतना आगे बढ़ गया कि तुम्हारे साथ कंपैरिजन करना हमारे को हमारी इंसल्ट फील करते हैं। तुम्हारे साथ अगर कंपैरिजन होगा ना तो हमें इंसल्ट फील होते हैं, यार किससे कंपैरिजन कर रहे हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा फरोख सलीम साहब, ये बताइएगा कि भारत के पास कितने रिजर्व्स हैं इस वक्त? मुकाबला नहीं करें, बस वैसे ही अपने जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाह रही थी। तालिबान हुकूमत ने इजहार गम किया है, ट्वीट की है हिंदी में इंडिया को, और ऐसा पहली बार हुआ है कि तालिबान हुकूमत ने हिंदी में इंडिया के साथ इजहार गम किया है। देखिए भारत के पास कोई 650 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इस वक्त। तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट में आए उस वक्त इंडिया का GDP था 1.3 ट्रिलियन डॉलर, जो 2022 में बढ़ के हो चुका है 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि उसने इकोनॉमी को डबल से भी ज्यादा ग्रो कर दिया है। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। दुनिया इस मैसेज को कैसे लेगी? पाकिस्तान को इसके क्या कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते हैं? ये भी तो देखे ना फारूक सलीम साहब कि इंडिया में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है। हालांकि आई थिंक कोविड ने उनको बहुत बुरी तरह हिट किया, बट उसके बावजूद भी प्रोसेस एक चलता जा रहा है। मतलब एक ऐसे इंतजार की सिचुएशन तो नहीं है ना। अगर आप ये देखें 2014 के बाद से IMF के साथ लोन डील फाइनल होनी रही है, तो इंडिया जो है वो हमारे से ज्यादा अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशन बेहतर है तालिबान की जो भी नई गवर्नमेंट आई है। तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, क्या फवायद है, क्या नुकसान है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। जब वो अपने उड़ीसा में हुई भीषण रेल दुर्घटना पर दुनिया भर के नेता शोक जता रहे हैं, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी दुख व्यक्त किया है। अफगान मंत्रालय की ओर से ये संदेश हिंदी में दिया गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, हमें ये जानकर बड़ा दुख हुआ है कि हिंदुस्तान में हुए भीषण ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोगों की जाने गई है। हम जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हैं और घायल यात्रियों को जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है, ये बयान तालिबान हुकूमत का ही है। अब पाकिस्तान मीडिया भारत को हिंदी में भेजे गए संदेश से सकते में है और ये चर्चा कर रहा है कि अफगानिस्तान की नजदीकियां भारत के साथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत के फॉरेन रिजर्व कितने हैं। पाकिस्तानी मीडिया भारत के फॉरेन रिजर्व को देख सकते में है और ये चर्चा कर भारत के पास कोई 650 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये सबक हम नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसे हुई है उसकी। इस इल्यूजन में रहते हैं कि हम शायद अपने सेंट्रल बैंक से कुछ डॉलर्स उठा के मार्केट में इंटरवीन करेंगे और मस्नूई तरीके से रुपए को मजबूत कर लेंगे, तो हम सबक नहीं सीख पा रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखे ना फारूक सलीम साहब कि इंडिया में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है। हालांकि आई थिंक कोविड ने उनको बहुत बुरी तरह हिट किया, बट उसके बावजूद भी जो पॉलिटिकल और चले उसका एग्जांपल, उसके अलावा आप हमारे इर्द गिर्द कितने और ममालिक हैं, नेबर्स हैं, आप देख लें पॉलिटिकल प्रोसेस डेमोक्रेटिकली प्रोसेस एक चलता जा रहा है। मतलब एक ऐसे इंतजार की सिचुएशन तो नहीं है ना। अगर आप ये देखें 2014 के बाद से मुझे ऐसे लग रहा है पाकिस्तान में नॉन स्टॉप एक वॉल्केनिक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी जो वाकई और लोग बड़ी खुश आए तरीके से अपनी मईशत को या अपने कारोबारों को चलाएंगे।
क्या बोले ये आप दुरुस्त कह रही हैं, मेरे ख्याल है वही पॉइंट आप रिएट्रेट कर रही हैं जो मैंने पहले जिसका इजहार किया। क्वेश्चन था ही नहीं मेरे, मुझे मुझे महसूस ये हो रहा है कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम जो हमने पिछले साल में देखा या उससे भी लंबे अरसे में देखा है उसमें कुछ कमी होती नजर आ रही है, और खास तौर पे उस पार्टी की जो काबिलियत है, जो कैपेसिटी है इंतजार फैलाने की, वो बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा फारूक सलीम साहब, आपको लगता है आपने कहा जो नया आने वाला साल होगा, अभी मैं ये भी सुन रही थी कि हुकूमत ने ये कहा है बजट के अंदर जो जो हमने एडजस्टमेंट्स करनी है जिस तरह भी पेश करने हैं ना, हम उसको IMF के सामने रख देंगे if it's acceptable, चले अगर नहीं होता तो then the new government has to come in and they have to restart the negotiation, ऐसा होगा from point one, तो वो तो बहुत ही ज्यादा और मुश्किल होगी। जी आई थिंक इसका कोई यकीनी जवाब इस वक्त नहीं दिया जा सकता। ये वाला पैकेज तो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत ने इसको अलविदा कह दिया है, इसको गुड बाय कह दिया है। वो पुराना जो 2019 में पैकेज निगोशिएट किया गया था उसमें वापस जा नहीं रहे। अब बात इस चीज की है कि अगले माली साल मेरे जहन में कोई मुतबादल नहीं है, देर इज एब्सोल्यूटली नो अल्टरनेटिव टू IMF। अब वो नया पैकेज जो है वो कौन निगोशिएट करता है, क्या वो केयर टेकर गवर्नमेंट करेगी या वो किसी और किस्म की गवर्नमेंट करेगी, क्या इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो उसको निगोशिएट करेगी, और अगर निगोशिएट करेगी तो फिर वो इतनी सख्त शराइत जो है उन पे अमल कौन सी हुकूमत करेगी, तो ये गैर यकीनियां जो है ये ओनली टाइम विल आंसर देम आई थिंक। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ ही देर पहले इंडिया में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, मुझे लगा हिंदी की ट्वीट को बोल रही हूं, हादसा हुआ है, बहुत सैड न्यूज है, और उसी से रिलेटेड एक खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान तालिबान ने कैसे वही लेडी नहीं है जो मुस्लिम से कन्वर्ट हुई थी जिसकी हम इंडिया को, ऐसा पहली बार हुआ है कि तालिबान हुकूमत ने हिंदी में इंडिया के साथ इजहार गम किया है, इसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी देखा, इससे बड़ा गम हो गया है कि इंडिया में ऐसा हो गया, ये पहली बार तालिबान ने आई डोंट नो किस क्या सोचकर और क्या इनके इसके पीछे क्या राज है कि ऑल ऑफ अ सडन ये इतना ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश जो की है, फर्स्ट टाइम यू नो इजहार किया है कि उनको बहुत फील हो गया है। तालिबान के बारे में पूछो, अफगानिस्तान के बारे में पूछो, तो आप मतलब इस बात के पीछे की क्या गहराई है, क्या डिटेल है कि अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत जो है वो किसी की सगी नहीं हो सकती, इसके पीछे की क्या डिटेल है? मैं उसको क्या पता कि जहां पर तालिबान की सोच में लगा हुआ तो मैं कैसे वो तालिबान कमजोर होकर रहती अपनी हुकूमत संभाली और जो कुछ भी इन्होंने किया उसके बाद इन्होंने फिर से वही रवैया रखा है, वही एजुकेशन के लिए विमेन को एजुकेशन नहीं देना, विमेन के ऊपर जो जातियां हो रही है, जो मर्द के ऊपर भी हो रही है, लेकिन विमेन पे ज्यादा मैं बात करना चाहूंगी कि जो मतलब इन्होंने कहीं पर भी ये फॉरवर्ड नहीं जा रहे, कहीं पर भी इनको ये नहीं लगता है कि मतलब ठीक है एजुकेशन दिया जाए लड़कियों को तक आपने मैंने शायद ये खबर देखी थी कि लड़कियों को मार दिया गया एक स्कूल के अंदर, शायद यही खबर थी निम्रा, आई डोंट नो आई डोंट रिमेम्बर, तालिबान इंडिया के साथ क्यों आ रही है क्वेश्चन, लड़कियां जहां पर पढ़ने जा रही है उनको मारा जाता है, उनको पहली बात तो उनको तो यही प्रॉब्लम है कि ये जो दिमाग में है ना ये एक ही चीज बसती है कि विमेन को कैसे रिप्रेस किया जाए, सप्रेस किया जाए, उसकी जिंदगी कैसे मुहाल की बात हो रही है, यहीं पर मुझे ये जहां पर मैं एक विमेन होके मैं यही देखती हूँ। मुझे तो इस वीडियो में पता है सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्या लगा, वो जो थी बैठी हुई वो पूछ रही थी कि भैया इंडिया का जो फोरेक्स रिजर्व है वो कितना है, वो बड़ा मज़ेदार था, और ये बोले कि उसको उनका छः हमारा कितना 600 उनको छः भी नहीं, उनको छः चाहिए जीने के लिए, वो हमारे इंडिया का 600 है, हमारे लिए वो एक बूंद है हमारे समुद्र की। और फिर वो जो दूसरी जब वो तब वो बोली कि इंडिया की तो डेमोक्रेसी ऐसी मतलब वो है कि इलेक्शन पे चले जा रही है, चले जा रही है, इनकी हमेशा डेमोक्रेसी होती है, एक बंदा जाता है दूसरा टर्म शुरू होता है, दूसरा टर्म खत्म होता है तीसरा शुरू होता है, इनकी चलती जा रही है इनकी बातें सुन के लगता है अरे है कौन ये कैसे लोग हैं। और एक भाई साहब उन्होंने अच्छा मजाक करा था जो सो रहे थे बीच बीच में, और वो सो ही रहे थे मेरे ख्याल से वो लूप हो रहा था, बट लुकिंग वेरी नाइस कुछ
ये उस पे फोकस कर रहे थे, मैं सुनने में फोकस हो, कह रहे भाई बस सो रहा है, मैंने कहा मुझे क्या पता, मगर देख रहा है टेक्निक सोने की अच्छी थी मुझे क्या पता। नहीं मैंने एक बार उसको देखा था, उसकी ऐसी एक आईब्रो ऐसे ऊपर हुई थी जो मुझसे तो नहीं थी, पता नहीं कैसे कर लेते, कोई एक ही आईब्रो को ऊपर कैसे कर, हमारी तो दोनों आंखों के ऊपर होती। और दूसरा देखिए वो लेडी जो है उनसे पूछ रही थी इंडिया वाली से कि तालिबान ने हिंदी में स्टेटमेंट दिया है तो इतना तालिबान क्लोज क्यों जा रहा है, कोशिश कर रहा है इंडिया से। एग्जैक्टली वो बोल रही है कि तालिबान जो है विमेन को ओप्रेस करता है, मेन को भी ओप्रेस करता है मगर विमेन को ओप्रेस ज्यादा करता है, ये प्रॉब्लम है एजुकेशन बंद। क्वेश्चन ये था भाई तालिबान इंडिया से क्लोज क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको इसलिए नहीं कि तालिबान क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नहीं था, मगर उन्होंने जो रट्टा मारा था उसके हिसाब से आंसर दे दिया। नहीं उसके इतना ऑब्वियसली है कि वो इसलिए कर रहा है हिंदी में क्योंकि उनको वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया से हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो, क्योंकि इंडिया इतना हेल्प जो भी है। तो न्यूज देखनी पड़ेगी कि इंडिया और तालिबान में क्या कोलैबोरेशन हुआ है, क्या अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, क्या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है, क्या है, बहुत कुछ ट्रेड की बातें हुई होगी, कंस्ट्रक्शन की कोई ऐसी बातचीत हुई होगी जिसके हिसाब से वो पहले से देख रहे हैं। इंडिया ने बोला होगा ठीक है हम कोलैबोरेट करेंगे, आपको ये बना देंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें ये कर देंगे, कहीं कुछ हेल्प की होगी। मैं तो ये भी सुन रही हूँ कि शायद तालिबान का कोई एक एम्बेसी भी शायद खुल रही है कि एम्बेसडर आ रहा है, ऐसा कुछ मैंने कहीं हल्का सा पढ़ा था, तो वो भी हो रहा है। तो सब लोग बड़े अमेज्ड हैं कि भैया अच्छा ये हो रहा है और इंडिया में आ रहे हैं क्या ये सब, तो बताना कि जो मैंने पढ़ा वो बाकी में होने वाला है कि हो चुका है। इंडिया हमेशा यही कहता रहेगा कि विमेन की आप जो है वो तो है कंडीशन इम्प्रूव करिए, नो डाउट, साथ में ट्रेड वगैरह जो भी हो रहा है बिल्कुल। और इंडिया तो एज वो हेल्प इसलिए भेजता है कि वहाँ के लोगों के वजह से, ह्यूमैनिटेरियन एग्जैक्टली, कि उनके ऊपर जो इतनी तकलीफें आ रही हैं। तो चलो फ्रेंड्स शेयर करना अपने थॉट्स और कमेंट्स में मजाक किया लिखना कि देखो इनकी कैसे बातचीत चलती है। चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।